प्रधानमंत्री की टीम मोदी में बदलाव का सिलसिला जारी है। गुरुवार को दो बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। किरण रिजिजू के बाद उनके डिप्टी एसपी सिंह बघेल का कानून मंत्रालय से तबादला हो गया है। अब एसपी सिंह बघेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री का पद मिला है। भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का विभाग बदल दिया है। अब वे कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के स्थान पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। इससे पहले कानून मंत्री किरण रिजिजू का भी कानूनी मंत्री पद से हटाकर भू विज्ञान मंत्रालय में सौंपा गया है। हम आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में लगातार बदलाव के अपडेट आ रहे हैं। सामने आया है कि किरण रिजिजू के कानून मंत्रालय लेने के बाद अब उनके डिप्टी भी कानून मंत्रालय से हटा दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का विभाग भी बदल दिया है। अब वे कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के स्थान पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। बता दें कि इससे पहले कानून मंत्री के पद से किरण रिजिजू को हटाकर उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया है। किरण रिजिजू बतौर केंद्रीय कानून मंत्री लगातार चर्चा में रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल बदलाव की मंजूरी दी है। अब किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से बदलकर भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। वहीं रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को उनका मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। तो वहीं एसपी सिंह बघेल आगरा से बीजेपी के सांसद हैं। पूरा नाम सत्यपाल सिंह बघेल है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भटपुरा के मूल निवासी हैं और इटावा में रह रहे हैं। बघेल अपनी कर्मभूमि बदलते रहे हैं और उनकी जाति को लेकर भी काफी विवाद है। वे फिरोजाबाद के जलेसर सीट से पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद फिरोजाबाद से सांसद रहने के बाद आगरा को अपनी कर्मभूमि बना लिया था। एसपी सिंह बघेल ने अपना सियासी सफर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर शुरू किया था। कुछ दिनों तक बसपा में रहे और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। मुलायम सिंह यादव से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे और सूबे के तीनों ही पार्टियों में सांसद रह चुके हैं। बघेल दो बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को 2014 में फिरोजाबाद संसदीय सीट से सपा महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव के खिलाफ उतारा था। हालांकि वे चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2017 का चुनाव टूंडला से विधायक रहे और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद मंत्री रहते हुए बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आगरा सीट से उतारा और वे सांसद चुने गए। साल 2022 में मोदी कैबिनेट के विस्तार में उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। किरण रिजिजू और न्यायपालिका के रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे। कानून मंत्री के पद पर किरण रिजिजू करीब 2 साल तक रहे। उनका यह पूरा कार्यकाल विवादों में रहा। किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव बना रहा। रिजिजू ने न्यायपालिका के प्रति खुले तौर पर टकराव वाला रवैया अपनाया था। ऐसे में रिजिजू का न्यायपालिका में खुला टकराव मोदी सरकार के लिए मुसीबत न बढ़ा दे। इससे पहले उनके हाथों में कानून मंत्रालय छीन लिया गया है।